नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती, हमारे साथ हैं सिमरनजीत सिंह। आज हम एक नए विषय पे आपसे बात करेंगे कुर्सीनामा के इस सेगमेंट में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह से ईडी और सीबीआई के मामले में तेजस्वी यादव से 15 घंटे की पूछताछ हुई, और वो पूछताछ उस दौरान हुई जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद उनके घर में इस तरह की छापेमारी हुई, इसका पूरा क्या प्रभाव होगा आगे के दिनों में, राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, बीजेपी को लेकर जो है यह कितना नुकसान दे होगा, या फिर आरजेडी को लेकर जो है यह कितना नुकसान दे होगा, इन तमाम चीजों पर हम आगे सिमरनजीत सिंह से विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक कर हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ईडी और सीबीआई के मामले में यह राजद के लिए कितना नुकसान दे होगा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए यह कितना नुकसान दे होगा, क्योंकि 2024 और 2025 का चुनाव एक तरह से कह ले कि माथे पे है, तो ऐसे में यह ईडी और सीबीआई किस तरह से आरजेडी के लिए नुकसान दे होगा। देखिए, जहां तक मुझे लगता है या मेरी जो राजनीतिक समझ कहती है, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो पूछताछ की है, हालांकि छापेमारी की भी संज्ञा दी जा रही है इसे, तो ये मेरे हिसाब से आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए कम से कम राजनीतिक रूप से नुकसानदेह तो नहीं साबित होने जा रहा है, और ये आरजेडी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मामले हुए, जो घटनाक्रम हुआ पूछताछ से लेकर के छापेमारी का, देखिए आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी जी। हमारे देश में या भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बेहद आदर किया जाता है जी। और एक गर्भवती महिला, तेजस्वी यादव की शादी को 15-16 महीने हुए, उनकी पत्नी गर्भवती है राजश्री यादव, और दिल्ली में ही जो है अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है वो अपना समय व्यतीत कर रही है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि होली जैसे महापर्व के ठीक पहले राबड़ी देवी के आवास पर केंद्रीय एजेंसियों की टीम पहुंचती है, उनसे पूछताछ होती है, सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी, पूछताछ हुई। उस दौरान भी राष्ट्रीय जनता दल ने जो माहौल बनाया, इस माहौल ने उनको फायदा पहुंचाया। जो आरजेडी का जो समर्थक वर्ग है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुनः आरजेडी की तरफ एक बार जो है उसका जो मतलब जो एक समर्थक वर्ग था, जो बहुत उदासीन या कमजोर पड़ रहा था सरकार में आने के बाद से, वो एक बार फिर से एक्टिव हुआ और अपने पार्टी के पक्ष में, अपने नेता के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। लोगों के अंदर भी ये बात गई कि भाई होली इतना बड़ा पर्व है, होली एक महापर्व है बिहार का, राबड़ी देवी एक महिला है और जाकर के उनसे पूछताछ की गई। ठीक उसके बाद जो है खबर आती है कि भाई दिल्ली में जहाँ तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी है, वहीं पर 15 घंटे की पूछताछ होती है। लालू प्रसाद यादव ने तो ट्वीट भी किया, लालू प्रसाद यादव ने तो साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल में कहा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी, आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा कर रखा है, क्या इतने निम्न स्तर पर उतर कर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं, और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार ही नहीं, देश की राजनीति के नब्ज को समझते हैं। इस ट्वीट के आप मायने देखिए, ट्वीट में लालू प्रसाद ने जैसे आपातकाल के दौर की बात की, लालू प्रसाद ने जैसे अपनी बेटियों का जिक्र किया, नन्हे मुन्ने नातियों का जिक्र किया, गर्भवती पुत्र वधु का जिक्र किया, ये भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाली है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो लालू प्रसाद यादव का जो ट्वीट आया, उनके जो समर्थक है वो ट्वीट को कितना पढ़ते हैं, कितना उन तक इस तरह के सोशल मीडिया नहीं नहीं, नहीं 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 बात सिर्फ आप सोशल मीडिया या ट्विटर की नहीं है, आप शायद अपने सवाल को आप सुधारिए। फेसबुक पर भी लालू यादव का यह मैसेज गया, और जब यह मैसेज जाता है तो न्यूज चैनलों पर भी सर्कुलेट होता है। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता अगर कोई चीज ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो अखबारों की सुर्खियां बनती है, वो न्यूज चैनलों की नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए,
न्यूज चैनलों के हेडलाइंस तक वो जाता है, और बात सिर्फ लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की नहीं है, एक महिला से आप पूछिए कि जब एक महिला गर्भवती होती है, वो भी इसी मार्च के महीने में, नहीं नहीं सुना जाए, देश की राजनीति बड़ा भावुक विषय है, हाँ ठीक है, और लोग भावनाओं में ही बैठ के मतदान करते हैं, एक महिला से जब पूछा जाए कि मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में ही डिलीवरी होनी है तेजस्वी यादव की पत्नी की, हम ये जानना चाहते हैं, नहीं नहीं ये मीडिया में ये खबर मीडिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है मीडिया में, पूरे तरीके से ये खबर है कि लंबी रेड पूछताछ ये सारा कुछ नहीं, 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 नहीं मैं बता रहा हूँ, और हमने जो खबर लिया है मैं आपको दिखा सकता हूँ एबीपी न्यूज पे ये खबर नहीं, नहीं हम वो नहीं कहना चाहते, हम कहना ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है राजश्री वो प्रेग्नेंट है, ये खबर मीडिया में मतलब पुष्टि नहीं है, बिल्कुल पुष्टि है, अरे आप देखें अब पुष्टि है, अब पुष्टि रेड के बाद पुष्टि है, रेड से पहले पुष्टि नहीं है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि गर्भवती पुत्र, हम मान रहे हैं, हम ही मान रहे हैं ये खबर जो है कि प्रेग्नेंट है उनकी पत्नी, मेरी बात को समझिए, अब इस पर अब उसको एंगल बनाकर अब आगे अगर चीजें कही जा रही है तो उसका मतलब दूसरा हो सकता है, राजनीति में सर एंगल ही बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर का आपको बयान याद होगा, याद है, उन्होंने नीच आदमी कहा था नरेंद्र मोदी को, उन्होंने अपनी जाति से जोड़ दिया, कहा कि हाँ मैं नीच जाति का हूँ, हाँ मैं छोटी जाति का हूँ, अब नरेंद्र मोदी किस जाति के किसको पता, लेकिन अब इस ये पुष्टि की बात नहीं है, जो एक गर्भवती महिला जो बिहार में है, और एक बहुत बुरा संदेश गया है, आप याद रखिए बिहार एक ऐसी धरती है जहां उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दिया जाता है, ये लालू यादव जी कहते हैं, आपको 2015 का विधानसभा चुनाव याद है, अच्छे से याद है, नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था, और जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 243 में 40 सीट पाने में बीजेपी के पसीने छूट गए थे, और बिहार में एक बार फिर से यही माहौल बन रहा है, बिहार देखिए मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है, शासन में है, इसके अलावा शराबबंदी जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के जनता के मन में सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई पुष्टि जो कहते हैं वो नहीं है, लेकिन CBI ED केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार के पीछे पड़ी है, अरे भाई पूरे देश में क्या लालू यादव ही सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, अभी बिहार का राजभवन मछली बाजार बना हुआ था, कैसे भूल सकते हैं, जो राज्यपाल बिहार के गवर्नर उन पे आरोप लगे, उनके बच्चों पर, उनके लड़कों पर, कई लगातार पत्रकार नेता ट्वीट कर रहे, फेसबुक पर डाल रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई उसके लिए कितने बड़े पैमाने पर धन की उगाही की गई, भाई इस मामले में भी तो पूछताछ होनी चाहिए, कम से कम रेड तो होना चाहिए, बिहार के पूर्व राज्यपाल पर हो रहा नहीं बिल्कुल, जबकि उनको दूसरे स्टेट भेज दिया गया, तो ऐसे में ये लोग भी समझ रहे हैं कि पूरे देश में इकलौता जो है इकलौता भ्रष्टाचारी नेता क्या लालू प्रसाद यादव है, या तमाम विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, ये सवाल अब सबके जहन में है, और बिहार के लोग तो इस बात को समझते हैं, बिहार तो राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक प्रदेश है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ के लोगों का जो सेंस है ना राजनीति के लिहाज से बहुत तेज चलता है, और मैंने कई महिलाओं से बात की है, मैंने उनको देखा है ट्रेन में जाते हुए भी कि किस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ इस तरीके से पूछताछ किया गया, एबीपी न्यूज की एक खबर है कि लंबी पूछताछ हुई, रेड हुआ, और उसके बाद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो बेहोश हो जाती है, उसको दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ये कोई साधारण बात नहीं है, और लालू प्रसाद यादव ने अगर इसको इमोशनल कार्ड खेला है तो ये यूं ही नहीं है, और मैं फिर कहता हूं कि लालू यादव राजनीति के नब्ज को समझते हैं, तो आपको लगता है कि इस पूरे मसले पे जहां एक तरह से विपक्ष यानी कि बीजेपी का लगातार ये कहना है कि आरजेडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ईडी सीबीआई से एक अलग माहौल बना कि ये चोर है भ्रष्टाचार है इस तरह के मसले जो है निकल कर सामने आए, नहीं ये कोई नई बात थोड़ी है, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी कहना कोई आज से थोड़ी चल रहा है, लालू प्रसाद यादव जब पहली बार इस्तीफा दिए थे, लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बने और उनको 97 में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, 90 में बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री, हाँ वो अलग विषय है, लालू प्रसाद यादव 90 में मुख्यमंत्री बने, 97 में उन्हें ये चारा घोटाले का मामला सामने आया जिसमें उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तब से ही लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचारी होने का दाग आरोप जो भी कह लें लगाया जाता रहा है, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ना उनके समर्थकों के लिए कोई नई बात नहीं, और आपको एक चीज बता दें, इस देश में बीजेपी ही एक इकलौती पार्टी है जिस
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे घूस लेते हुए पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण की याद दिला दूं आपको, तो लोग समझते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि क्या देश भर में इकलौते नेता बिहार में लालू प्रसाद यादव ही हैं? दूसरे नेताओं पे बीजेपी के नेता तो कोई दूध के धुले हुए आपको दिखते हैं क्या? कई नाम है बीजेपी में, कई नाम है जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन वो कहां कहां चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। अभी शहनवाज हुसैन का एक मामला चल रहा था, आपको अच्छा, याद होगा, लेकिन उस पर कोई पूछताछ नहीं, उस पर कोई रेड नहीं। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता को यह मैसेज देने में सफलता हासिल कर ली है कि देखिए किस तरीके से हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात अभी हम नहीं कह सकते, वो जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तय है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनेगी लालू प्रसाद यादव की गर्भवती बहू के साथ ये जो पूछताछ का मामला और उनके घर पर जो रेड का मामला सामने आ रहा है। चल, इसी से जुड़ा हुआ दो सवाल है मेरे पास कि पहला सवाल यह कि आज ही जो सदन चल रहा था उसमें प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई यानी केंद्रीय एजेंसियों को आने पे रोक है, उनको पहले स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से बाकायदा निवेदन करते हुए कहा कि आप भी जो है इस नियम को बिहार में लागू कर दीजिए, आपको कितना जायज लगता है? देखिए, जायज और नाजायज की बात, जो जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, अगर ये सच है कि पार्टी देख करके, पक्ष और विपक्ष देख कर कार्रवाई की जा रही है, निष्पक्षता को प्रभावित किया जा रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो क्यों नहीं राज्य सरकारें इस विषय पर सोच सकती हैं? क्योंकि फिर बात वहीं घूम कर आती है सामने, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बीजेपी के मंत्रियों पर क्या वो दूध के धुले हुए हैं क्या? इसी बिहार में हमने देखा है कई बीजेपी के मंत्रियों को, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, जिन्होंने लूट के अपना घर भरा है सरकार में मंत्री रहते हुए, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं, कोई छापेमारी नहीं और कोई रेड नहीं। तो ऐसे में अगर भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसा करने का उनको पूरा हक है। जायज नाजायज इसके बारे में जो समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, जो जो कानूनी मसलों को सही तरीके से समझ सकते हैं वो बताएंगे, हम तो राजनीतिक विषयों पर ही बात कर सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी तरह के मसलों को लेकर 2017 में सरकार से अलग हुए थे, उसमें गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे आरोप लगे, उन्होंने कहा कि आप डिप्टी सीएम का पद छोड़े, इस तरह की खबरें जो है मीडिया में धरातल पे होनी शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव पे दबाव बनना शुरू हुआ है, आप इसको कितना जायज मानते हैं और क्या नीतीश कुमार का अगला स्टेप इस तरह का हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार ने तो इस बात का खुलकर जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पहले भी ऐसी ही परिस्थितियां बनाई गई थी, लेकिन देखिए अब वो परिस्थिति नहीं है। तब नीतीश कुमार 70 विधायकों वाले वाली पार्टी के नेता थे, आज नीतीश कुमार 45 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं। हर बार वैसी परिस्थिति नहीं होती, और नीतीश कुमार भी, और कल उन्होंने क्या किया, आज क्या किया, वो ये भी समझते हैं। अब तो नीतीश कुमार क्यों अलग होंगे? बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम नीतीश कुमार के साथ तो तेजस्वी भी रहे नहीं, अब तो कोई गठबंधन हम लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों नीतीश कुमार अब छोड़ के जाएंगे जब बीजेपी उनके साथ ही नहीं जाना चाहती है? तो दरअसल देखिए, अब इन बातों में कोई दम नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल पहले आज के दिन आपने खीर और पूड़ी खाया था तो आज भी खाएंगे, 5 साल पहले जन्मदिन के दिन अपने आपने चिकन खाया था तो आज भी खाएंगे। ये सब देखिए, ये सब जो है ना, एक हम वो कह सकते हैं कि मिथक है। अब हम एक और मिथक की बात ले लेते हैं, राजश्री यादव जिस पर बीजेपी ने हाथ डाला है कथित रूप से, जो खबरें आ रही है, दरअसल राजश्री यादव जो है वो तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतलब खुशियों की सौगात लेके आई है, लेडी लक कहा जा रहा है। जिस दिन से राजश्री यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार में आई है, आप देखिए लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन हुआ, सफल हुआ, लालू प्रसाद यादव को बेल मिली, लंबी सजा काटने के बाद वो घर आए, पार्टी की एक तरीके समान से कमान तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, उनके जो जेठ हैं तेज प्रताप यादव वो भी बिहार सरकार में मंत्री बने, और अब राजश्री यादव जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है। तो समझिए कि जब लेडी लक उनके साथ है तो राजश्री यादव जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए भाग्यशाली, हालांकि हम इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से हाथ डाला है केंद्रीय एजेंसियों ने एक महिला के ऊपर जिसकी 15 महीने पहले शादी हुई है, उससे 15 घंटे की पूछताछ की जो खबर आ रही है, यह आप समझिए कि कितना खतरनाक। अगर मिथकों की बात करें तब तो ये बीजेपी के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है आने वाले चुनाव में।
तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस ईडी और सीबीआई का कोई बड़ा अहम रोल होने वाला है? भेजा क्यों जा रहा है उन्हें बिहार में? उन्हें भेजा इसीलिए जा रहा है कि अहम रोल हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो इमोशनल कार्ड चल दिया है इस पर, ताकि जो है कोई भी ऐसा मामला ना बनने पाए, बल्कि उल्टा पड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इसको जिस तरीके से यह दिखाने की कोशिश की, जो कहा जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों को भेज करके कि लालू प्रसाद यादव बड़े भ्रष्टाचारी हैं, नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाया है, जैसे 2017 की परिस्थितियां थी वैसी परिस्थिति फिर से पैदा की जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है और इस कार्ड का असर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लिए यह इमोशनल कार्ड फायदेमंद साबित होगा और बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर 100% नुकसानदेह साबित होगा। तो यह था बिहार में ईडी और सीबीआई को जिस तरह से पिछले दिनों रेड हुए और खास करके राजश्री को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आई, उनकी गर्भवती होने के बाद जिस तरह से रेड की खबरें आई और तेजस्वी यादव का वो बयान सामने आया कि इस पूरे मसले पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी पत्नी जो है अस्पताल में भर्ती हुई है, और लालू प्रसाद यादव का वो भावात्मक ट्वीट जिसमें वो अपने सगे संबंधी अपने बेटे और नाती पोतों का जिक्र करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन सब के होते हुए जो है हमारे घर में 15 घंटे की रेड चली। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ सरदार सिमरनजीत सिंह थे, इन्होंने अपनी बात रखी और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने एक नया नजरिया देने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले अंक में एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, एक नए विषय के साथ, नए कुर्सीनामा में।